प्रतीत होता है कि आपके आराध्य बड़े शक्तिशाली हैं। कुछ कहते हैं कि वो देवों के देव हैं और कुछ उन्हें हमारी ही भांति मात्र एक मनुष्य मानते हैं, वो है कृष्ण। श्याम वर्ण के जो जीवन के हर अंधकार को समाप्त करने में सक्षम है, जो अपने भक्तों की हर कठिन यात्रा में उनके सारथी है। लीला पुरुषोत्तम, मुरलीधर, कन्हैया। स्मरण है ना वो वचन कि तुम एक बार मेरी सहायता के लिए अवश्य आओ, हम वासुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे। कर्ण, जिसे अपना आदर्श मानकर मैं समाज में परिवर्तन लाना चाहता हूं, उसी वासुदेव से युद्ध कैसे करूं? परंतु जरासंध को दिया वचन भी नहीं तोड़ सकता। मुझे वचन दो मित्र, तुम उस मायावी का मान मर्दन करोगे। जरासंध यद्यपि मेरे मित्र नहीं, परंतु बहुत बड़ी भेंट दी है उन्होंने मुझे। कर्ण, वर्षों से कृष्ण जरासंध के साथ में खेल खेलते आ रहे हैं। इच्छा तो मेरी भी है कि मैं कृष्ण को पराजित होते हुए देखो। जिसे तुमने आज तक देखा नहीं, उनसे इतनी शत्रुता क्यों मित्र? कई लोग उन्हें ईश्वर मानते हैं, अवतार मानते हैं। यही तो विडंबना है मित्र। मिथ्या बातों को लोग सत्य मान लेते हैं और एक मायावी को ईश्वर। मिथ्या, कृष्ण चरित्र में मिथ्या क्या है मित्र? मिथ्या नहीं है तो और क्या है मित्र? ब्रज से प्रारंभ होकर पूरे भारतवर्ष में यह बात फैली हुई है कि कृष्ण ने राक्षसी पूतना के प्राण भी लिए, उसका वध कर दिया। ये कथा तो माता ने मुझे भी सुनाई थी कि उन्होंने पूतना का वध कर दिया। तुम ही बताओ मित्र, एक दूध मुहा बालक कैसे एक मायावनी राक्षसी का वध कर सकता है? एक दिव्य आत्मा के लिए, एक अवतार के लिए यह संभव भी नहीं मित्र। अच्छा, फिर तो तुम्हें उस कथा में भी विश्वास होगा कि घुटने पे चलते हुए कृष्ण ने अपने मुख में अपनी माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। ये सब कुचक्र है मित्र, षड्यंत्र है ये। जानबूझ के ऐसे कथाओं का प्रचार किया जा रहा है ताकि उन्हें अवतार समझ लिया जाए, भगवान समझ लिया जाए उन्हें। कर्ण, तुम मुस्कुरा रहे हो मित्र, तुम ही बताओ क्या इन घटनाओं का कोई भी साक्ष्य है जो इन्हें सिद्ध कर सके? मित्र, क्या सत्य है और क्या असत्य है इस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। हो सकता है कि कृष्ण पर विश्वास करने वालों के पास कोई साक्ष्य ना हो, परंतु उनके विरोधियों के पास भी कोई साक्ष्य नहीं। कर्ण, न जाने क्यों आज तुम्हारी बातों में मुझे उस युधिष्ठिर के स्वर सुनाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है मित्र। चलो मान लिया कि यशोदा माँ को भ्रम हुआ और माता को अपने पुत्र में ईश्वर का रूप दिखाई देता है, परंतु जब मथुरा वासी इंद्र के कोप से पीड़ित थे तब कृष्ण ने अपनी कनिष्का उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत बना लिया था। सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता मित्र।
क्या ये भी भ्रामक प्रचार लग रहा है? कालिया मर्दन, क्या वो भी एक असत्य प्रचार था मित्र? उस महाविषधारी महाशक्तिशाली सर्प का अंत करने वाला एक सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता मित्र। इंद्र को परास्त कर देने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता मित्र। तुमने भी तो इंद्र को परास्त किया, परंतु तुम्हारा कोई भक्त नहीं, तुम्हें कोई ईश्वर नहीं मानता। उल्टा बचपन से लेकर रंगभूमि तक तुम्हें तो संघर्ष करना पड़ा है, और विष से बच पाना कोई चमत्कार नहीं है मित्र। मैं भी बचपन से धीमे विष पे पला, तो क्या मैं स्वयं को अवतार घोषित कर दूं? तो तुम्हें लगता है कि कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया जो उन्हें एक सामान्य मनुष्य से ऊपर कर देता है? क्या कंस का वध कर पाना एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव? तुम ही बताओ मित्र। हाँ, ये मैं मानता हूं, एक ग्वाले के लिए कंस वध करना बड़ी उपलब्धि है, परंतु इसे हम एक ग्वाले की शक्ति कह सकते हैं, कोई ईश्वरी चमत्कार नहीं। तुम तो कृष्ण की हर उपलब्धि पर प्रश्न उठा रहे हो मित्र। हाँ, क्योंकि वो एक छलिया है, छल करने वाला, माया करने वाला, और कुछ नहीं। छलिया कहो या माया भी, परंतु उन्होंने जो किया अपने लोगों के शुभ के लिए, अपने लोगों के उत्थान के लिए किया। मेरी तो बचपन की इच्छा थी कि मेरी उनसे भेंट हो। संत के कारण ये भेंट तो होगी। परंतु युद्ध क्षेत्र में इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मित्र, मत भूलो कि तुम्हें अपने वचन के लिए उस कृष्ण से युद्ध करना है, और अपने शत्रु से इतना प्रभावित होना विजय का लक्षण नहीं है। वो मायावी है, तुम्हारे भ्रम को तुम्हारे विरुद्ध अस्त्र बनाकर तुम्हें पराजित कर सकता है।
मायावी है, वो जहां अपने पांव रखे वहां सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। वो कब, कहां, किसके पास, किस रूप में पहुंच जाए, यह अनुमान लगाना कठिन है मित्र। तुम्हें उसकी माया से सावधान रहना होगा। जिनकी प्रशंसा करते आया कल उन्हीं से युद्ध करना होगा। समझ नहीं आता कि क्या करूं। कर्म मनुष्य के मार्ग चुनने से निश्चित होता है अंगराज। प्रश्न ये करना चाहिए कि मार्ग कौन सा चुना जाए। कि लक्ष्य उत्तम होने पर भी यदि मार्ग अनुचित हो तो लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। चुनने की कला धनुर्विद्या से अधिक कठिन है अंगराज। जैसे एक महान योद्धा उचित मार्ग नहीं चुनता तो अनुचित मार्ग उसे चुन लेता है और महान से सामान्य बना देता है। इसीलिए युद्ध, मित्र और शत्रु चुनने में सावधान रहना चाहिए। दो मित्रों के वार्तालाप में विघ्न डालने वाले तुम हो कौन? मैं कौन हूं वो महत्वपूर्ण नहीं, मैं क्या करने आया हूं वो महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म ही हमारा परिचय बनते हैं। परिचय दो अपना, क्यों आए हो यहां? मैं नटवर हूं, महाराज जरासंध का दूत। अंगराज को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने आया हूं, वहां ले जाने आया हूं जहां उन्हें होना चाहिए। बस, एक राजा को लाने के लिए एक राजा ही आए, यही उचित है। जाओ और जाके कह दो जरासंध से जब तक वो स्वयं कर्ण को लेने नहीं आएगा अंगराज कर्ण कहीं नहीं जाएगा। एक राजा को आने के लिए जरासंध ने दूत भेजा। ये नियम के विरुद्ध है। नियमों के विषय में हस्तिनापुर के महान राजकुमार दुर्योधन ने एक बात कही है, क्या वो बात आपने नहीं सुनी? क्यों, क्या कहा है कुमार दुर्योधन? यही कि नियम वो बनाते हैं जो शासन करते हैं और उनको अपने बनाए हुए नियमों को पालन करने का बंधन नहीं होता। जिस तरह एक नदी अपना मार्ग चुनने से पूर्व किसी से पूछती नहीं, उसी तरह एक शासक अपने बनाए हुए नियमों को बदल सकता है। अब आप ही बताइए महोदय, क्या राजकुमार दुर्योधन ने कुछ अनुचित कहा? नहीं नहीं, कदापि नहीं। दूत का कार्य है संदेश देना अंगराज, परंतु फिर से कहूंगा, चयन करने का उत्तरदायित्व तो आपका है। आप मेरे साथ आना चुनते हैं या नहीं ये तो आप पर निर्भर करता है। कर्ण ने यदि कुछ चुना है तो
केवल अपने वचन का पालन करना है। मैं तुम्हारे सताऊंगा दूत। अहो भाग्य, मैं भी यही चाहता था कि आप मेरे साथ आए। जाओ मित्रगण, मुझे भी हस्तिनापुर जाना है एक आवश्यक कार्य के लिए। एक उक्ति आपके लिए भी है राजकुमार। ईर्ष्या की अग्नि सबसे पहले ईर्ष्यालु को जलाती है। क्या कहा तुमने? बस एक महान पुरुष की उक्ति स्मरण हो आई, सो कह दी। वैसे ये उक्ति राजकुमार दुर्योधन की नहीं है, पर हां है उन्हीं के लिए। आपका दूत आपकी प्रतीक्षा कर रहा है अंगराज। आपको लक्ष्य तक ले जाने का कर्तव्य मेरा है अंगराज, इसलिए रथ के अश्वों को किस दिशा में लेकर जाना है वो मेरे हाथों में। मैं अपना रथ स्वयं चलाना जानता हूं। जानता हूं, परंतु आज आपका सारथी बनने का अधिकार मेरा है। हाँ, अगली बार मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं ये निर्णय तो आपका कर्म और आपका चुनाव करेगा अंगराज। चलो ना, जरासंध मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रतीक्षा केवल प्रारब्ध करता है अंगराज, कल को प्रारब्ध क्या रूप लेकर आए ये किसी को नहीं पता। कभी कभी हम किसी और लक्ष्य की कामना करते हैं और हमें कोई और लक्ष्य चुन लेता है। जो देख के यूं आश्चर्यचकित ना हो कुमार दुर्योधन, मैं यहां अंगराज को लेने आया। परंतु अभी अभी आपका दूत धन को अपने साथ में लेकर गया। दूत? परंतु मैंने तो कोई दूत नहीं भेजा। एक राजा को स्वयं राजा लेने आएगा, यही नियम है। भेजा, फिर वो कौन था जो कर्ण को ले गया? समझ गया, वही छलिया, वही मायावी जो हर बार जरासंध की छाती पर एक और पराजय का खाव कर जाता। वासुदेव कृष्ण, बहुत अच्छी बात कही तुमने। यदि उचित मार्ग ना चुनो तो अनुचित मार्ग हमें चुन लेता है। किसने कही है ये पंक्तियां? अंगराज, प्यासा नदी का मीठा पानी पीता है, उसके उद्गम की खोज नहीं करता। भूखा
मीठा फल खाता है। वो फल किस पेड़ पर था उस पर शोध नहीं करता। ठीक उसी प्रकार किसने क्या कहा है वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण कुछ है तो ये कि कही गई बात समझ में आई या नहीं। किसने कहा है उसे ढूंढने निकलोगे तो समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। समझ गए ना? इतना अवश्य समझ गया कि तुम कोई भी बात सीधी तरीके से नहीं करते। दूत मार्गदर्शक हो और जीवन का मार्ग कभी सीधा नहीं चलता। पहले भी मैं मगध सीमा आ चुका हूं, तो ये मार्ग भिन्न क्यों लग रहा? निसंदेह आपकी यात्रा इस युग की सबसे रोचक यात्रा होगी अंगराज, इसीलिए इस यात्रा में आपका सहयात्री बनना चुना है मैं। परंतु ये यात्रा अंत नहीं, इस यात्रा के पश्चात जीवन का नया मार्ग मिलेगा। अब देखना यह है अंगराज कि आप कौन सा मार्ग चुनते हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.